आज हम सब सीखेंगे स्पंजी, रसगुल्ला या छेना बनाना। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है, जो बिल्कुल सॉफ्ट बने, अंदर से हार्ड भी ना हो और नरम बने। हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका, प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को दिल से शुक्रिया था मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देके मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही एक टेस्टी सा मिठाई, जिसका नाम आप छेना और रसगुल्ला दोनों रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हार्ड हो जाता है, अच्छा बनता नहीं है, तेल में जाने के बाद बिखर जाता है, कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए। तो वही चलिए आप लोग को दिखाते हैं बनाने का तरीका। इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डालना है, उसके बाद दूध डालना है। इससे ये होता है कि दूध जो है बिल्कुल तले में चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर हम 1 केजी दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए मिठाई को। आप इस यहाँ पर 1/2 केजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विनेगर और पानी दोनों को मिक्स कर लिए हैं। इस तरह से जो विनेगर मार्केट में मिलता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा विनेगर लेना है और उसके बाद उसमें पानी डाल देना है और मिक्स करके तैयार कर लेना है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, गैस के फ्लेम को बिल्कुल हम बंद कर देंगे। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालेंगे, नहीं तो हमारा जो छेना है उसे फाड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो गैस के फ्लेम को एकदम बंद कर दीजिए और जैसे ही दूध उबलने लगे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाइए और दूध को फाड़ लीजिए। ज्यादा पानी बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दूध को फाड़ना है। थोड़ा सा दूध ठंडा होने दीजिए, जब उंगली डाल के देखिएगा, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ इसे सह सकते हैं तभी आपको छेना को फाड़ना है। इससे जो है परफेक्ट छेना बनता है। कुछ कुछ आपको ट्रिक्स हैं जो फॉलो करना पड़ेगा, उससे आप छेना अगर बनाते हैं तो आपके छेना बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि फटेगा और तेल में जाने के बाद बिखरेगा, अच्छा नहीं बनेगा, आपको ऐसा कोई शिकायत ही नहीं मिलेगा जो तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा छेना जो है वो फट गया है। तो अब इसे हम एक मलमल के कपड़े में छान लेंगे। इसी तरीके से हमें छेना को फाड़ना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आपको पानी के इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए और उसके नीचे एक खाली बॉल रख दीजिए और उसी से हम छेना को छान लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मलमल का कपड़ा ले लिया, इसके नीचे छन्नी लगा लिए और सारा हम निकाल लेते हैं। इसके बाद 2 से 3 पानी इसको ठंडे पानी से धो देंगे, बिल्कुल चिल्ड पानी है तो और भी ज्यादा अच्छा है। इसको धोने के बाद इस तरह से आपको पकड़ना है और सारा पानी इसका निकाल देना है। निकालने के बाद इसी तरह से आप इसे टांग के छोड़ दीजिए, किसी हैवी बर्तन से आप इसको ढक दीजिए कुछ सेकेंड के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। अगर ज्यादा देर के लिए ढकेंगे तो इससे ये होगा कि इसका सारा जो पानी है वो खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा छेना बिल्कुल हार्ड बनेगा। ये देखिए बस 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से हम टांग के छोड़े हुए थे। और इसके बाद आपको इस तरह से इसको फैला लेना है और हाथ का जो आपका पंजा होता है उसके हथेलियों के बीच में रखते हुए इसको अच्छे से रब करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इस्तेमाल किए हैं बेकिंग सोडा का, आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं बिल्कुल चुटकी भर। उसके बाद हथेलियों के बीच में इसको रखते हुए इस तरह से आपको रब करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसके अंदर से हल्का हल्का घी ना निकलने लगे। उसके बाद डालेंगे, आपको छोटी चम्मच से बताते हैं, तो 1 छोटी चम्मच अगर आप लेते हैं तो उसका 1/4 आपको डालना है कॉर्नफ्लोर या मैदा आरारोट जो है आपके पास वो डाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से करने के बाद फिर इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसका गोली बनाना तैयार करेंगे। जब गोली बना के देखेंगे इसमें क्रेक नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा गोली परफेक्ट हमारा बनेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो छेना है बिल्कुल बनने के लिए रेडी है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, तब तक से चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कप हम चीनी लिए हैं और 1 कप पानी लिए हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी पानी नहीं लेंगे। 2 कप की चीनी ले रहे हैं तो 2 कप भी पानी आप ले सकते हैं। और इस तरह से पहले छोटे छोटे इसका पेड़ा तोड़ लेते हैं और इस तरह से बीच बीच हाथों में रखते हुए आप देख सकते हैं सारा हाथ में घी घी हो गया है, क्योंकि इससे जो है तेल बहुत ज्यादा निकलता है। उसके बाद 1-1 करके सारा इसमें हम डाल देंगे अपना, और ये देखिए 1 पहले करके इसमें डालेंगे और उसके बाद जैसे ही देखेंगे कि एक अच्छे से फूल रहा है, इसका साइज डबल हो रहा है, तो सारा इसी से मैं डाल देंगे। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको पकाना है 4 मिनट के लिए और उसके बाद आपको लो फ्लेम पे पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से कच्ची से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इससे ये होगा कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ना तो हमारा जो छेना है ना अपने अकॉर्डिंग ये डबल होते जाएगा। आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अभी कैसा होते जा रहा है। तो इस तरह से घुमा घुमा के करिएगा, ये हलवाई का ट्रिक है जिससे हम छेना बहुत ही परफेक्ट बना सकते हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट और अंदर से हार्ड भी नहीं बनेगा, जूसी बनके तैयार होगा। तो ये सारा ट्रिक अगर आप फॉलो करके छेना बनाते हैं तो परफेक्ट छेना और स्पंजी आपका रसगुल्ला बनके रेडी हो जाता है। कोशिश करते हैं कि आपको आज का जो रेसिपी है बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह डेली न्यू कुकिंग का वीडियो सीखने के लिए। और नेक्स्ट आपको कौन सा रेसिपी देखना है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टोटल इसे पकाने में हमको 25 मिनट लगा और 25 मिनट में हमारा छेना जो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे पानी आप डालते जाइए तो इसका उबाल जो है कम होते जाता है
बीच बीच में रुक रुक के, और ये जो है आपका डबल से ट्रिपल हो जाता है छेना जब फूलता है, तो ये परफेक्ट तरीका होता है छेना को चेक करने का। तो ये देखिए जब इसको हम उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल तैर नहीं रहा है, पानी के अंदर चला गया। एक आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये देखिए अंदर से कितना सारा इसमें जाली पड़ा हुआ है और अंदर से कितना अच्छा से ये जूसी बना हुआ है। तो इसी तरीके से छेना या रसगुल्ला बनाइए, परफेक्ट बनकर रेडी होगा। ये देखिए हम आपको सारा तोड़ के ही दिखा देते हैं इसमें कितना जाली पड़ा हुआ और कितना सॉफ्ट बना हुआ है। चलिए अब इसे हम इसी तरह से सर्व कर लेते हैं।